मुझे आपने भाग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। चूँकि अभी अभी हम सब ने बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ में गुरु पूर्णिमा मनाई है, और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि इस परिसर में बैठे हुए, परिसर से बाहर बैठे हुए, जिनकी जिज्ञासा थी कुछ सीखने की, अस्तो मा सदगमय, तमसोर मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर मा अमृतम गमय, निश्चय ही वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को गुरु जरूर बनाया होगा। हाँ, हो सकता है साकार निराकार प्रकृति अन्य अन्य जहाँ जहाँ उसकी श्रद्धा है वहाँ वहाँ उन्होंने शरण लेकर के अपना अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का प्रयास किया होगा। क्योंकि जब सृष्टि रची भगवान ने, तो सबसे पहले मनुष्य आया, उससे पहले भगवान ने प्रकृति पर सारी वस्तुएं पहले ला के दी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई हमारा मुख्य मेहमान आता है तो उसकी पूरी तैयारी हम लोग पहले कर लेते हैं, कहाँ बैठेगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे। ठीक ऐसे भगवान ने इस पूरी प्रकृति की जब रचना की तो सब चीज़ों को बनाया। पर मेरी एक अवधारणा ही नहीं है, हम सबकी अवधारणा है कि सबको ज्ञान चाहिए, पर गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो आज इस परिसर में बैठे हैं, मैं पुनः आप सभी के गुरुजनों को भी मेरी तरफ से वंदन करता हूँ कि श्रद्धायाम लभते ज्ञानम, ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को आध्यात्मिक गुरु चाहिए, किसी को व्यापारिक गुरु चाहिए, किसी को राजनीतिक गुरु चाहिए, पर गुरु बगैर तो कहीं ज्ञान आएगा नहीं। मैं कटाक्ष तो नहीं करूँगा, पर तो ये जरूर कहूँगा कि गुरु वो हो जो हमें समरसता का संदेश दे, जो समरसता का संदेश दे, जिसके अंदर समभाव हो, समदृष्टि हो, और सबको लेकर के चलने की क्षमता हो, तो निश्चय ही वो गुरु हम सबको तारेगा। कि पुनः ऐसे गुरुजनों को मैं वंदन करता हूँ। सभापति महोदय, आज का तीनों विषय बहुत अच्छे हैं, जिसमें गौ माता है, आयुर्वेद है और हमारे देवालय है। ये मैं मानता हूँ तीनों हमारे जीवन के लिए मूल आधार है, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि मानविक, तीन ताप हैं, तीन कष्ट हैं। तीनों कष्टों से यदि मुक्त होना है तो ये तीनों हमारे साथ हैं। इसलिए आज का विषय अच्छा है, मेरे को सौभाग्य भी मिला है, और निश्चय ही मेरे से पूर्व जितने भी सम्मानित सदस्य, मेरे से ज़्यादा अनुभवी पारिक साहब और अन्य अन्य जितने भी बोले, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद भी करता हूँ। चूँकि मैं पहली बार विधानसभा में आया हूँ, परंतु मेरे सामने बैठे हुए चेहरे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इनके अनुभव से मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि विधानसभा के अंदर हम सब लोग एक भाव के साथ आए हैं, और एक भाव के साथ राजस्थान की जनता ने हमारे को यहाँ भेजा है। मैं उस विषय को भी तो कहूँगा कि जो बजट आया है, सौभाग्य से आप और हम सबको इस विधानसभा में बैठ करके इस बजट के साक्षी होने का सौभाग्य मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का नाम है, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनका प्रारब्ध का कोई भजन था, उनके कारण का भाग्योदय हुआ, और वो भागीरथ बन करके एक भागीरथ गंगा की तरह एक बहुत अच्छा बजट लाए हैं, इसलिए मैं साधुवाद करता हूँ उनका। और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ही नहीं, अब दिया कुमारी जी का नाम भी देख लो, दिया ही दिया उनका, दीपक ही दीपक है, परंतु एक पाथे के पीछे बैठ करके इस बजट को सुचारू और सही दिशा देने वाले कोई कर्मवीर है, जो पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, और बहुत सुधीजन है, बहुत बुद्धिजन है, बहुत परिश्रमी है, बहुत कर्मवीर हैं, जो सचिवालय में बैठ करके हमारे सामने बैठ करके दिन रात राजस्थान की प्रगति के लिए हमारा सहयोग करते हैं, उनका भी मैं साधुवाद करता हूँ। केवल वही नहीं, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर जो जिला पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजस्थान के प्रत्येक सपना देखने वाले, साकार सपने देखने वाले युवा हैं,
और ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति है वो सब आज हम सबको देख करके आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, और उन सब ने एक आशा और एक सपना देखा है कि मेरा राजस्थान कैसा हो, मेरा भारत कैसा हो। और ये सत्य बात है, आज के सब कुछ हम हैं। इतिहास में जितने महापुरुष हुए उनका एक कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया आज हम इतिहास गवाह है। जिसका जैसा क्षेत्र और जितनी सीमा है, कोई गांव का होगा, कोई जिले का होगा, कोई प्रदेश का होगा, कोई देश का होगा, जिसका जो उत्तरदायित्व बनता है उस समय उसने अपने उत्तरदायित्व का निर्णय किया है और निर्वहन किया है, तो आज भी हम उसको उस भाव से देखते हैं। इस युग के विवेकानंद भी हम हैं, इस युग के लाल बहादुर शास्त्री भी हम हैं, इस युग के हम श्यामा प्रसाद भी हम हैं, इस युग के सब कुछ हम हैं। इसलिए इस युग में जो निर्णय करना है हमें करना है। इसलिए आने वाले इतिहास में हम सबको आने वाली पीढ़ियां उस भाव से के साथ देखें कि जब देश एक अंगड़ाई के साथ विश्वगुरु बनने जा रहा था, देश जब अग्रसर हो रहा था, तब हम कहाँ खड़े थे, हमारे पूर्वज कहाँ खड़े थे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उस समय हम श्रद्धा के साथ देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब लोग एक सपना लेकर के यहाँ पहुंचे और सपनों के साथ जनता ने हमें भेजा है। वो जनता हमारे ऊपर आशा रखती है, बहुत आशा और विश्वास के साथ भेजा है कि हमारे विधायक महोदय जाएंगे और बहुत राजस्थान के लिए स्वर्णिम सपने हमारे साकार करेंगे, और वो विश्वास आज हम सबको पूरा करना है। मैं कहता हूँ आप भी मानते हो, ये क्षणभंगुर शरीर और समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करती है। समय के अग्रभाग में बाल है, आया और पकड़ दिया और सदुपयोग किया तो आपका रहेगा और पीछे नहीं है फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मात्र 5 साल ऐसे हैं कि उसको एक एक पल को हम लोग इस जनता के लिए, जनता का हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। इसलिए इस विधानसभा के अंदर बैठ करके हम वो नीति निर्धारण करें जो स्वर्णिम राजस्थान, स्वर्णिम भारत, विश्वगुरु भारत और विकसित भारत बने, उसमें हम सबका योगदान रहेगा। इसलिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। निश्चय ही आज का विषय गौ माता का विषय है, गावो विश्वस्य मातरः। क्यों कहा है? पूरे विश्व की माता, न कि हिंदू की माता, न मुसलमान की, न ईसाई की, किसी की नहीं, गाय पूरे विश्व की माता है। और प्रमाण के साथ आप माने तो हिंदू शास्त्रों में सर्वोच्च कोई शास्त्र है और सबसे ऊपर किसी देवी देवता, महापुरुष, सूरवीर, बलिदानी, किसी ने गाय से बड़ा किसी को नहीं माना। अपने को सबने कहा गाय सबसे बड़ी है, इसलिए सबने गाय की पूजा की और गाय को भगवान ने इतना पवित्र बनाया कि उससे पवित्र कोई प्राणी नहीं है। आप देखिए किसी भी महापुरुष का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी मानव का मल और मूत्र पवित्र नहीं, अपवित्र होता है, परंतु गौ माता का भगवान ने इतना पवित्र बनाया वो अपवित्र को पवित्र करता है। इतना है आयुर्वेद के अंदर, पारिक साहब बहुत अच्छे जानकार है, आयुर्वेद में हलाहल विष इसको कुचला कहते हैं, उससे ज्यादा भयंकर विष नहीं होता, उसको शुद्ध करने में गौमूत्र में डाला जाता है। कितना भी कोई कितनी विषम बीमारी है, आजकल कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी आज अंग्रेजी डॉक्टर भी गौमूत्र दिला करके ठीक कर रहे हैं। केवल मात्र गौमूत्र नहीं, गोमेल बसते लक्ष्मी, किसको कहा है? देवी देवताओं का निवास गाय को। इसको केवल एक प्राणी मत समझो, एक पशु मत कहो इसको, ये श्रेष्ठतम भगवान की कृति है जो पृथ्वी पर हमारे कल्याण के लिए भेजी है। और यूं भी हमारे शास्त्र को जो जानते हैं कि नंदी के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, जो इस विषय को जानता वो जानता है कि नंदी का सिर क्या है और नंदी क्या है और पृथ्वी कैसे टिकी हुई है। इसलिए गो में वसते लक्ष्मी, क्या मतलब हुआ? गोबर में लक्ष्मी, लक्ष्मी माता का निवास गोबर में, बता दिया। उपवास करेंगे, अभी श्रवण जी तो चले गए, साधु महात्मा के नाम पर भी उपवास कर रहे थे। अरे गुरु में श्रद्धा नहीं रखते हो आप लोग? अरे बाबा आया बिगाड़ दिया, बाबा के एक तो मोदी बाबू आ गए, एक योगी आ गए, एक राजस्थान में फिर बाबा आ गए हैं, कांग्रेस में बाहर निकाल दिया, लाइन लेटर लोग ही नहीं। संत सबका भाव है मेरे प्रति, मुझे बहुत प्रेम से मैं कर रहा हूं, ये सामने बैठी लोबी है ना, मैं जब घूमता हूं मुझे बहुत आदर सम्मान देते, मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आज जूही साहब नहीं है, जूली साहब आज यहां नहीं है, परंतु मैं नहीं था, गुरु पूर्णिमा मनाने गया तब पीछे कटाक्ष हुआ था कि मेरे नाम से भी आप एतराज उठाते हो। मैं तो आज जूली साहब आप तो है नहीं, पर आपकी कुर्सी की तरफ अंकित करके कहता हूं कि आपने, आपको मैंने हंसता हुआ देखा है, आपका चेहरा हंसता हुआ देखा है, मैं आपको हंसते हुए देखना चाहता हूं, परंतु आपके नाम में मैं एक
सुधार करना चाहता, आप जूली है नहीं, आप जूही है जो एक खुशबू देंगे हम सबको प्रतिपक्ष में बैठ करके। ये भाव रहना चाहिए हमारे अंदर, ये भाव रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर करेंगे, अपने आप करेंगे, अपना अपना आदर करेंगे। मैं कह रहा था गो में बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी, हाँ है गोबर में लक्ष्मी, कैसे हैं? यदि गोबर हम हमारी मातृभूमि के चरणों में, माँ भगवती जमी के चरणों में चढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं, माता भूमि पृथ्वी पृथ्वी अहम माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, हे माँ भूमि मैं तेरा पुत्र हूं। वो माँ है हमारी, गौ माता और भूमि माता दोनों को पवित्र करने के लिए गोबर यदि भूमि में डालेंगे तो वहां उर्वरा पैदा होगी और वहां से अनाज पैदा होगा, और अनाज पैदा होगा, देश संपन्न होगा और किसान संपन्न होगा। तब जाकर के कहा गोमे वचते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी। इसलिए अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए आप। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएपी यूरिया प्रश्नसाइज डाल डाल करके भूमि माता को हमने बीमारू माता कर दिया है। पंजाब का हालत देख लीजिए आप, जहां ऐसा डाला गंगानगर हनुमानगढ़, हम लोगों ने इस भूमि के अंदर उर्वरा को शक्ति ज्यादा करने के लिए डीएपी यूरिया डाल के उसको बीमार किया और अपने स्वास्थ्य को भी बीमार किया। मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जिस प्रकार डीएपी यूरिया पर सब्सिडी देते हैं, कौन पोषक होंगे, बड़े मिल फैक्ट्री वालों को उनको मिलेगा, उनको सब्सिडी देकर के हम खाद लेते, किसान को देंगे, किसान जमीन में डालेगा, जमीन बंजर होगी और पूरी की पूरी इस प्रकार चलता रहा तो एक दिन हम तरसेंगे शुद्ध खाने के लिए। और उसकी जगह यदि गाय का गोबर हम जमीन में डालेंगे तो जमीन भी शुद्ध रहेगी, बीमारू नहीं रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और सुनिए आप, सब्सिडी देते हैं ना उसके बाद में कितना नुकसान उठा रहे हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से कैंसर नाम की टैंक ट्रेन आती है बीकानेर में, कैंसर ट्रेन नाम हो गया है क्योंकि हमने उस जमीन को बंजर कर दिया है। अब यदि स्वास्थ्य चाहिए आपको, आपको पृथ्वी चाहिए, आपको अनाज चाहिए तो गाय की शरण में आना पड़ेगा, और गाय दुखी तो पूरी दुनिया दुखी रहेगी, गाय सुखी तो हम सब सुखी रहेंगे। गाय को समझो केवल प्राणी में समझो, और केवल आध्यात्मिक आर्थिक दृष्टि से भी नहीं, तो सर्वांगीण गाय है, सब कुछ है। अर्थ का आधार मत मानो गाय को, ये भी एक मनुष्य का पक्ष है। गाय दूध नहीं देती है, छोड़ देते हैं, पहले तो जय घोष करते हैं गौ माता की जय, और जैसे ही गाय बीमार हुई, गाय ने दूध देना कम किया, वही हमारे पास आते गौशाला में लेकर के गाय को रख लो, क्यों भाई दूध तो आपने पिया और अब गौशाला की शरण में क्यों जाते हो, तुम्हारी माँ की सेवा करते, इसकी भी सेवा करो। मेरा इतना ही निवेदन है आपको कि गाय के निकट जाओगे, जिस प्रकार से एक सिद्ध साधक संत के पास बैठने से ध्यान लगता है, ठीक ऐसे गौ माता के पास उनकी आंखों में जाके देखना, आप ठीक आपका ध्यान लगेगा। गौ माता के हाथ घुमा देना ऊपर, आपकी बीपी ठीक हो जाएगी, आपके अंदर सात्विक भाव आएगा, आपके अंदर एनर्जी आएगी, नकारात्मक भाव निकलेगा। गौ माता को समझो, गौ माता की सेवा करो। कुछ मेरे सुझाव है, मुझे सभापति महोदय थोड़ा समय देना, थोड़ा और मैं धृष्टता करूं तो मुझे क्षमा करें, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास में आपकी बात समाप्त नहीं, मैं एक मिनट में तो मेरी बात पूरी, मेरा विश्वास है कि कांग्रेस वाले भी मेरा समर्थन करेंगे, मुझे बोलने का साथ देंगे और ये भी मुझे बोलने का साथ देंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। दो मिनट, देखिए गाय का जो है सबसे बड़ा संकट का समय क्या है, जब अकाल पड़ते, राजस्थान गो आधारित है और सबसे सुंदर गाय, सबसे उच्च कोटि की गाय यदि देखनी हो तो राजस्थान में मिलेगी आपको, और वो भी थार पार करके बरोबर कोई गाय नहीं है। देखिए मैं थार पार की गुणवत्ता बताऊं, सबसे ज्यादा एंटी वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें, सबसे ज्यादा ब्यांत वो ब्याती ब्याती दूध देती देती ब्याएगी आपके, सबसे सुंदर हर प्रकृति में हर तापमान में रहने वाली सुंदरता में गुणवत्ता में, और वो गाय हमारे पास है। परंतु जो 7-8 किलो गाय दूध देती थी आज 2 किलो पर दूध देने लाई, इसलिए किसान विवश है कि अब मैं गाय कैसे रखूं, मैं बकरी रखूं या गाय रखूं। मेरा एक आपसे सुझाव है कि जबरदस्त अपना अभियान चले, जो नस्ल सुधार का अभियान हो और हमारी देसी नस्लें जहां जाएं उन सबको संरक्षण देकर जगह जगह पॉइंट खोले जाएं। सबसे बड़ी बात करता हूं, अकाल पड़ते रहते हैं,
राजस्थान का ये क्षेत्र तो अकाल ग्रसित है, जहां से मैं आया हूं तो हमारा चोली दामन का साथ है, बाड़मेर जैसलमेर वो एरिया तो अकाल, आप तो यहां भगवान भाग्यशाली होगा, आप ऐसे अच्छे एरिया में आपने जन्म लिया, परंतु वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गो आधारित हमारा जीवन था, परंतु अब हम विवश हैं। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं वहां के गोपालकों को, आज भी सिरोही जालौर बाड़मेर जैसलमेर पाली के उन गोपालकों को, मैं अभी हरियाणा गया था, वहां गोपालक सब कष्ट सह करके भी अपनी गायों को लेकर के वहां गए, आज उनके लिए भी रतन जी ने जो आवाज उठाई मैं भी उठाता हूं कि उन गायों के गोपालकों को विशेष संरक्षण दिया जाए और विशेष सुविधा दी जाए। एक एक गौशाला में गाय नहीं है, 300-400 गाय एक एक किसान लेके खड़ा है, और कोई भी परिस्थिति आई अपने झोंपड़े का छज उतार करके भी गायों को खिलाया, परंतु अपने गाय को भूखे नहीं मरने दिया, ऐसे गोपालकों को संरक्षण देना चाहिए। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि ये जो अभ्यारण है पश्चिमी सीमांत का सबसे उर्वरा पैदा करने वाला सेवन घास जैसलमेर बॉर्डर के अंदर है, सम घोटाड़ू लोंगो वाला एरिया, उस एरिया में सेवन घास है, और सेवन घास की जो जमीन है आज वहां लैंड जिहाद के माध्यम से लोग कब्जे कर रहे हैं और सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्यों ना सरकार उसको गो अभ्यारण घोषित करे और अकाल में घास पैदा करके जो हमारे बाहर से लाना पड़ता चारा उसका एक हमें रास्ता मिलेगा। दूसरा मेरा सुझाव है जो पारिक जी ने रखा था, गाय को जब तक आप नरेगा से नहीं जोड़ोगे तब तक कोई समस्या का विशेष समाधान नहीं होगा, और बस सहज है सरकार के ऊपर भार पड़ता है कई बार अकाल वकाल ये करने में, तो उसको यदि जोड़ोगे किसान को अनुदान दिया जाए और गाय को चारा दिया जाए, गाय बचेगी। चूंकि विषय बहुत है, मुझे केवल गौ माता का विषय भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि गाय माता धूरी मान करके चलेंगे तब हम पूर्ण करेंगे, और गौ संरक्षण और संवर्धन करके हम केवल अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, वो विश्व का कल्याण करेगी। अतः मेरा ऐसा मानना है कि विशेष योजना बना करके इस विषय में काम किया जाए। मेरे विधानसभा में भी आप सब जानते हो 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा है, और 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा में मैं पुनः आप सबको कहूंगा कि आप कभी टूर करने जाते हो ना, तो सादर निमंत्रण है कि उस क्षेत्र में आकर के उस राजस्थान को भी आप देखिए और वहां की भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों को देख करके विकास की बात करेंगे। पुनः आपने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया, देवस्थान विभाग और आयुर्वेद रह गया, फिर भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो सब कुछ है, इसको शुद्ध रखने के लिए गाय प्रकृति और आयुर्वेद तीनों का शरण लीजिए और अपने गुरु में विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद।